वेलकम टू अंजलिस वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं हॉट एंड सावर सूप विथ मैगी। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चिंग्स का हॉट एंड सावर सूप। ये 10 रुपये का एक पैकेट आता है, इसे आप 2 पैकेट ले लें। ये दोनों पैकेट मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे ठंडे पानी से घोल लूँगी। इसमें मैं 2 कटोरी ठंडा पानी डालूँगी। इसमें मैं 2 कटोरी ठंडा पानी डाल चुकी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रह जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ज़रा सा भी लम्स नहीं है। अब ये अच्छे से घुल चुका है, मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है। अब मैंने लिया है 10 रुपये वाला एक पैकेट मैगी और इसे मैं अच्छे से अब क्रश कर लूँगी। अच्छे से इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना है। देखिए फ्रेंड, मैंने मैगी को अच्छे से क्रश कर लिया है। मैंने लिया है एक पैन। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से बटर। देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, एक छोटा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा फ्राई करेंगे। अनियन लाइट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें क्रश किया हुआ मैगी डाल देंगे। इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो रहा है। इसे हमें लाइट फ्राई ही करना है। फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। ये मैगी हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए 2 कटोरी पानी मैंने सूप के घोल में यूज़ किया था और 2 कटोरी पानी मैं मैगी में डाल रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और मैगी टेस्ट मेकर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम कुटा हुआ ताज़ा फ्रेश काली मिर्च डालेंगे। अब हम जो सूप का घोले थे वो वाला अब हम डाल देंगे, हॉट एंड सावर जो सूप था हमारा। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसे ढककर उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये उबल रहा है। इसे ऐसे ही हमें 5 मिनट तक और पकाना है। ये देखिए फ्रेंड, ये उबल रहा है। अब हम इसमें थोड़ा, एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने घोल कर रखा है, उसे मैं डाल दूंगी। अगर आपका गाढ़ा हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आप भी थोड़ा इसे कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। ये देखिए फ्रेंड, ये सूप पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सुपर टेस्टी हॉट एंड सावर विथ मैगी सूप। खाकर पियो या पीकर खाओ।